6:30 बजे के आसपास शिवानगर कठुआ के नेशनल हाईवे के नज़दीक हमारी गश्त की टीम ने एक मेजर कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी के तहत एक ट्रक को सीज़ किया है जिसका नंबर JK02V8927, जो कि मोहम्मद जावेद सना बशीर अहमद सीला रियासी के रहने वाले हैं, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। उस ट्रक को सीज़ किया हुआ है और उस ट्रक से 37 बैग्स पुखी के भरे हुए, पॉपी स्ट्रॉ के भरे हुए हमें बरामद हुए हैं। तकरीबन 9 क्विंटल पॉपी स्ट्रॉ हमने सीज़ किया हुआ है और इसमें केस FIR नंबर 82/2019 अंडर सेक्शंस 8/15 और 18 NDPS एक्ट के तहत हमने रजिस्टर किया हुआ है। आज ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन के तहत, उसमें एक ये बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है और कठुआ पुलिस ने सिटीजन्स की मदद से इस कैंपेन में अभी तक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए इस ड्रग के मेनस को कंट्रोल और साथ साथ वाइपआउट करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और कितने बजे इंसिडेंट हुआ और कब आज इतने लोग कितने लोग अप्रिहेंडेड हुए? अर्ली मॉर्निंग की जो हमारी गश्त पार्टी है वो जब नेशनल हाईवे से होते हुए नेशनल हाईवे की शिवानगर के पास जब पहुंची सहारखड़ के पास, तो जहां तक हमें लगता है वो जो गश्ती पार्टी को देखते हुए उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को अंदर की तरफ मोड़ा, खड़ के साथ में जो रास्ता हाउसिंग कॉलोनी की तरफ चलता है उस रास्ते पे मोड़ के पुलिस की टीम को देखते हुए वहीं पे ट्रक छोड़ के वो भाग गया। उस ट्रक के अंदर से हमें उसका मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुआ है, जिसके चलते हम उसके तक पहुँच के उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, उस ट्रक के मालिक का, जिसके नाम पर रजिस्टर ट्रक है, उसका नाम मोहम्मद जावेद सन ऑफ बशीर अहमद सीला रियासी का रहने वाला है। हमें अभी तक ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये ट्रक का मालिक है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूर होगी।